कभी यहाँ पानी से लबालब भरी झील हुआ करती थी, लेकिन आज हाल ये हो चुका है। इससे पहले 1960 में भी ये इसी तरह पूरी सूख गई थी। पर्यावरण कार्यकर्ता इमाद कासिम नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। बच गए इस छोटे से तालाब में उन्हें करीब 200 कछुए मिले हैं, जिनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इन्हें दूसरी जगह न ले जाएं तो वे कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही जिएंगे। ये कछुए उभयचर हैं, सिर्फ जमीन पर रहने वाले नहीं। इंसानी दखल या भारी बरसात से बांध के भरे बिना वे सिर्फ कुछ दिन जिएंगे, बहुत हुआ तो एक महीना, लेकिन अंततः इन सब की मौत निश्चित है। लेकिन इमाद कासिम का मकसद साफ है, वो बचे हुए कछुओं को जीवित रखना चाहते हैं, और इन कछुओं को नई जगह पहुंचाने के लिए उन्होंने कई स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों, वॉलंटियरों और अधिकारियों के साथ हाथ मिलाया है। ये कछुए स्थानीय इकोसिस्टम में बहुत अहम रोल निभाते हैं। साफ पानी में रहने वाले कछुए आहार श्रृंखला की अहम कड़ी होते हैं और छोटे जलीय जीवों और शैवालों के निपटारे में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके खत्म होने से ये संतुलन बिगड़ सकता है और पूरे इकोसिस्टम पर इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो इन कछुओं को अब नया घर मिल गया है, कुछ किलोमीटर दूर लेबना झील में। इस झील का जलस्तर भी सामान्य से नीचे आ चुका है, लेकिन अब भी संकटग्रस्त कछुओं के लिए ये बसेरा काफी हद तक उपयुक्त है। मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। हम सूखे और पानी की किल्लत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर जीव जंतुओं के लिए इसकी किल्लत होगी तो इंसान पर भी असर पड़ेगा, और तब शायद इसके ज्यादा बुरे परिणाम देखने होंगे। इमाद और उनके सहयोगी पर्यावरण को कछुओं और खुद के रहने योग्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।